तारक मेहता का उल्टा चश्मा। बारिश का मौसम है, ट्रैफिक का वक्त है, यही सही मौका है। अरे मगन, सुंदर का शांति नहीं। अरे माय डियर जीजा जी, फोन तो उठाओ। चुप रहे। अरे फ्लैश बॉल, बस बस बस। अरे माय सुंदर। या जीजा जी भी। अरे मगन, जाला एक चाबी के बराबर बंद कर। जाला ये के हैंडल के चल। अरे लाइट चली गई क्या? बाथरूम की लाइट तो चालू है, तो गोडाउन की लाइट किसने बंद की? आज पता चला इतना बड़ा गोडाउन है। हाँ किधर है स्विच? हाँ मिल गया मिल गया। शटर किसने बंद किया? ये तो लॉक है। नटू काका, अरे मगन, सुरेश तूने शटर ठुकने की आवाज सुनी क्या? अरे ताला लगा है, तेरा भ्रम है, चल। अरे मैं इधर अंदर हूँ गोडाउन में। किसने बंद किया? अरे खोलो। नटू काका मुझे लॉक करके तो नहीं चले गए? नटू काका बोलने तो अभी झड़ समाधि ले ली। ये सुंदर और नटू काका दोनों ने मुझे परेशान करने के लिए जन्म लिया है। अरे नटू काका, मगन, अरे नटू काका मुझे एयरपोर्ट जाना है प्लीज। अरे कोई सुन रहे? अभी तक बंद है, अभी मैं एयरपोर्ट कैसे जाऊं? हेलो, अरे कोई है सुन रहा है? हेलो नटू काका, ये नटू काका को भी अक्कल नहीं है। अरे गोडाउन की जगह पे कम से कम दुकान में बंद करते तो दूसरे मोबाइल से फोन तो कर सकता उनको। मगन,
सच में आज का दिन बहुत भारी है। दिन के अभी तो लगता है रात भी भारी है। हे भगवान मेरी मदद करो प्लीज। कौन है? हेलो 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 कौन है? हेलो 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 कौन कौन? अरे तुमने फोन किया है तो तुम बोला ना कॉल। अरे मैं जेठालाल गड़ा हूँ। लाल वड़ा? अरे वड़ा तो पीला होता है ना, और वो बेसन का होता है। लाल वड़ा किधर से आ गया? लगता है कोई दारू लिया है। चलेगा। अरे भाई साहब देखो मैं शटर के अंदर हूँ। शटर के अंदर? बटर के अंदर वड़ा? तुम ठीक से चेक करो, तुम वड़े के ऊपर हो गया। भगवान आपने इसको मेरी मदद के लिए भेजा है कि मेरी मस्ती करने के लिए भेजा है? कितना पिया है अंदर तक बास आ रही है। अरे भाई बटर नहीं शटर, शटर ये शटर। शटर? और मैं वड़ा नहीं गड़ा, गड़ा कच्ची कच्ची आदमी हूँ। तो हम लोग का वो सरने में गड़ा जेठालाल गड़ा। मैं इधर घोटाल में फंस गया हूँ, मेरी मदद करो भाई प्लीज, मुझे बाहर निकालो। क्यों निकलना है भाई, क्यों निकलना है? अरे तुम एकदम सही जगह पे पहुंचे भाई, एकदम सही जगह पे पहुंचे। बाहर दुनिया बहुत मतलबी है मेरे दोस्त। अरे भाई आजू बाजू और कोई दिख रहा हो तो उसको बुलाओ ना प्लीज। आजू में कोई नहीं, बाजू में भी कोई नहीं। सामने एक आदमी खड़ा है, उसको बुलाएगा तो चलेगा क्या? अरे दौड़ेगा चलेगा क्या? बुलाओ भाई प्लीज, जल्दी बुलाओ। तुम इधर ही रुकना, कहीं जाना मत, मैं उसको लेके आता हूँ। मैं कहाँ जाऊंगा भाई? ए आदमी क्या फोन रख, वो बुला रहा है। कौन? मिस्टर इंडिया। मिस्टर इंडिया? दिखाई नहीं देता, सिर्फ सुनाई देता। ए बेवड़े चल निकल यहां से, चल। मेरे को क्या, मैंने तो अपना काम किया। वड़ा ला आगे क्या? वड़ा भाई ए, ए, बस शांति है अभी, अभी तुम चुप रहो, कुछ मत बोलो। अच्छा भाई साहब देखो मेरा नाम जेठालाल गड़ा है, गोडाउन मेरा ही है। और क्या मेरा आदमी गलती से मुझे अंदर लॉक करके चला गया, क्या मैं बाथरूम में था ना, उसको मालूम नहीं होगा तो ऊपर से वो बंद करके चला गया। तो उसको बोलो कि इधर आके खोल जाए। हा? उसका नंबर है लिखो 9819253633। अरे मोबाइल तो देना फोन करने के लिए। अरे भाई तू शांति रखना अभी, एक मिनट मैं इनसे बात कर रहा हूँ, तू शांति रख अभी। हाँ भाई साहब लगा फोन। ए पेड़ है क्या? इधर दूसरा कोई नहीं, मैं इधर अकेला हूँ। अरे वो सामने वाला भाई साहब कहाँ है? अरे वो तो सामने से निकल गया। मोबाइल दो ना मेरे को, अर्जेंट कॉल करने का। हेलो लगता गिर गया। तुम लोग ना इतना क्यों पीते मेरे समझ में नहीं आता। कंट्रोल करने का मेरी तरह कंट्रोल। ए
मैं कुत्रिया, मैं शेर हूँ। पीने के बाद हर कोई शेर बन जाता है। आइए खाना तैयार है, खाने के लिए बैठ जाइए। अबे ना माय डियर, जीजा जी को तो आने दो, सब लोग साथ बैठकर खाएंगे। अरे सुंदर, जेठा तो एयरपोर्ट जाने वाला है ना, उसको आते आते तो देर हो जाएगी। चल अरे रामा, तू सब लोगों को बुला के लेके आ जा। हाँ। बहू, जेठा को जरा फोन लगा के पूछ, एयरपोर्ट के लिए निकला कि नहीं वो। जी बापूजी। बापूजी, टप्पू के पापा का फोन तो बंद आ रहा है। कमाल है, फोन बंद क्यों आ रहा है? वो क्या है बापूजी? सुबह पतू ने एक प्लॉट की बढ़िया स्कीम दिखाई थी, तो वो खरीदने के लिए मैं जीजाजी को बार बार फोन कर रहा था, इसलिए शायद उन्होंने तंग आकर फोन स्विच ऑफ कर दिया होगा। शायद ऐसा ही हुआ होगा। बापूजी सोच रहे होंगे मैं गोवर्धन काका को लेने एयरपोर्ट पहुंच गया होऊंगा, उनको कैसे मैसेज पहुंचाऊं कि एयरपोर्ट नहीं मैं गोडाउन पहुंच गया हूं, मुझे लेने के लिए किसी को भेजो। ये मोबाइल को भी आज ही बलि चढ़ना था। और ये नटू काका भी नंग है, नंग। अरे ऐसे कैसे मुझे गोडाउन में बंद करके जा सकते हैं आप? आज वो मुझसे रूठ गए थे, उसका बदला तो नहीं लिया? नटू काका ऐसा नहीं है, उनको तो पता भी नहीं होगा कि मैं इधर गोडाउन में हूँ। ये वो कौवे की वजह से हुआ है ना, वो मेरे हाथ पे छी छी करता ना मैं इधर बाथरूम में आता। ये मैं किसके साथ क्यों बात कर रहा हूँ? ग्यारह बज गए, गोवर्धन काका का प्लेन आ गया होगा। अरे कोई है? कोई सुन रहा है? अरे क्या कर्फ्यू लग गया क्या? क्या इतनी जल्दी सो गए सब? अरे 12 बजे तक कितना बढ़िया बढ़िया प्रोग्राम आते हैं टीवी पे। दरवाजा होता तो ऐसा करके तोड़ देता। ये तो तोड़ भी नहीं सकता मैं। अरे, आ, 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 तोड़ दिया, तोड़ दिया, तोड़ दिया, तोड़ दिया, तोड़ दिया। आस्था क्या है, चलना पत्ते चलना। चले टप्पू बेटा, बहुत रात हो गई, 12:30 बज गए बेटा, जाओ जाके सो जाओ। नहीं मम्मी, पापा और गोवर्धन दादाजी को आने दो, उसके बाद सोऊंगा। अरे टप्पू, बहु टप्पू को थोड़ी देर बैठने दे, जेठा मेरे दोस्त गोवर्धन को लेके अभी आता ही होगा है, गोवर्धन टप्पू से भी मिल लेगा। हाँ मम्मी प्लीज। ठीक है बापूजी। हाँ हाँ, दोस्तों की बात ही कुछ निराली होती है। क्यों बाय बाय? हाँ भैया। अरे हम भी तो हमारे दोस्त को मिलने के लिए यहाँ आए ना। चलना ये पत्ते चलना। आ गए गोवर्धन काका। ए चंपकिया, ए गोवर्धनिया।
केम छे? अरे तू केम छे? मजा मा बहुत दिनों बाद मिला है। पहला गोवर्धन काका कैसे आप? फर्स्ट क्लास बेटा। इसे पहचाना ना? अरे हाँ हाँ पहचाना, टप्पू है ना टप्पू। हाँ बराबर। नमस्ते 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 नमस्ते। ये मेरा वीरा सुंदर है और ये मेरा दोस्त। बाय बाय। बस 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 आओ घर जाना। बाय बाय। बेना माय डियर जीजाजी कहाँ रह गए? वो गोर्धन काका का सामान लेकर आ रहे होंगे। अरे चंपक तूने तो कहा था जेठा एयरपोर्ट पर आएगा लेने के लिए, लेकिन वो तो आया ही नहीं। जेठा तुझे एयरपोर्ट लेने नहीं है? हाँ भाई मैंने तो उसका कितना इंतजार किया, आधा घंटा उसे ढूंढा भी लेकिन वो नहीं मिला। सुना था बम्बई वालों के पास टाइम नहीं है। अरे लेकिन इतना भी टाइम नहीं कि फोन करके बता सके कि वो नहीं आ सकता। नहीं नहीं टप्पू के पापा ऐसे नहीं है, अगर उन्होंने कहा कि वो एयरपोर्ट लेने के लिए आएंगे तो वो जरूर आएंगे ही। इन बहू जेठा एयरपोर्ट पहुंचा क्यों नहीं? अरे चंपक मैं जेठा को अच्छी तरह जानता हूँ, पिछली बार जब मैं यहाँ आया था तब अपना सारा काम छोड़कर मेरे ही पीछे था, इस बार वो कहीं अटक गया होगा। शायद पापा ट्रैफिक में अटक गए होंगे। अरे पर इतनी रात को थोड़ी ट्रैफिक होता है। वैसे गोर्धन तू एयरपोर्ट से यहाँ कैसे है? अरे चंपक जब जेठा एयरपोर्ट पर नहीं आया तब मैंने छगन को फोन किया। वो एयरपोर्ट के पास ही रहता है ना। अरे मैं तो सिर्फ तेरे और तेरे पोते के लिए ये गिफ्ट देने के लिए आया हूँ। सिर्फ गिफ्ट देने आया हूँ मतलब? अरे नीचे छगन मेरी राह देख रहा है ना, आज अगर उसके घर नहीं गया तो उसे बुरा लगेगा। लेकिन देख चंपक जब मैं दुबई वापस जाऊंगा ना उससे पहले तीन चार दिन में तेरे घर में पक्का रहूंगा। हाँ हाँ जरूर आना काका। हाँ हाँ जरूर आऊंगा। जैसा तू ठीक समझे। ठीक है तो फिर मैं चलता हूँ। आओ जो काका। आओ जो बेटा आओ जो। अरे सुन गोर्धन। हाँ। वो जेठा की वजह से तुझे जो तकलीफ हुई उसके लिए सॉरी। अरे कैसी बात करता है चंपक, जेठा किसी काम में अटक गया होगा ना। चलो मिलते हैं। हाँ चलो टप्पू मिलते हैं। बाय बाय। आओ जो बेटा। मेरा दोस्त घर तक आकर चला गया, ये जेठा अगर वक्त पर एयरपोर्ट पहुंच गया होता तो ये गोर्धन को छगन के साथ नहीं आना पड़ता। जेठा जरूर दूसरे एयरपोर्ट पे गया होगा। मैंने तो उसे फोन करके कहा था कि वो विदेश से प्लेन आते वही एयरपोर्ट पे जाना, कहाँ गया होगा। बापूजी टप्पू के पापा अगर एयरपोर्ट नहीं गए हैं तो फिर कहाँ गए होंगे? बेना उनको डर लगा होगा कि वो यहाँ आ जाएंगे ना तो हम उनको जबरदस्ती प्लॉट दिलवा देंगे, इसलिए शायद ना आए हो। नहीं नहीं वीरा ऐसी कोई बात नहीं है, टप्पू के पापा एयरपोर्ट नहीं गए हैं तो फिर मुसीबत में तो नहीं फंस गए हैं ना? बेना वो दुकान से निकले थे कि नहीं एयरपोर्ट जाने के लिए? एक काम करो नटू काका को फोन करके पूछ लो। सेठ जी के घर से फोन क्या हुआ होगा? हेलो। हाँ नटू काका। हाँ सेठानी जी बोलिए। सॉरी नटू काका आपको रात को जरा फोन किया, लेकिन टप्पू के पापा अभी तक घर पर नहीं आए। कहाँ से आएंगे, वो तो बापूजी के दोस्त को लेने के लिए एयरपोर्ट गए हैं। क्या एयरपोर्ट गए? हाँ लेकिन नटू काका गोर्धन काका घर पे आके भी चले गए लेकिन टप्पू के पापा अभी तक नहीं आए। सेठानी जी दुकान से तो सेठ जी एयरपोर्ट जाने के लिए ही निकले थे। तो फिर कहाँ गए होंगे? नटू काका एयरपोर्ट के सिवा कहीं और जाने की बात कर रहे थे? नहीं। तो फिर कहाँ गए होंगे टप्पू के पापा? सेठानी जी आप चिंता मत कीजिए मैं अभी घर पहुँचता हूँ। नहीं नहीं नटू काका आप रहने दीजिए,
घर में बापूजी सुंदर सब लोग हैं। ऐसा कुछ होगा तो मैं आपको फोन करूंगी, आप सो जाइए। ठीक है सेठन जी, चिंता मत कीजिए। हाँ बापूजी, नटू काका ने कहा कि टप्पू के पापा एयरपोर्ट जाने के लिए निकल गए थे। लेकिन बहू जैसा तो एयरपोर्ट पहुंचा ही नहीं, तो फिर कहाँ गए? बच गया, जिंदा है भाई, अंगूठा जिंदा है। एक सेकंड के लिए मैं तो डर गया था। बाप रे, एक बज गया। अब तक तो गोर्धन काका एयरपोर्ट से घर पहुंच गए होंगे। घर पे सबको पता चल गया होगा कि मैं एयरपोर्ट नहीं पहुंचा। बापूजी चिंता कर रहे होंगे, जेठिया एयरपोर्ट नहीं पहुंचा तो गया किधर? बेचारी दया भी चिंता कर रही होगी। मुझे घर जाना ही पड़ेगा। राजन बोल, राजू ये रात को यार भूत की फिल्म देखने नहीं जाना चाहिए। क्यों, डर लगता है क्या तेरे को? थोड़ा थोड़ा। अरे क्या डरता है यार, कुछ नहीं होता है, चल। तू डर गया? अबे ऐसे कोई भी हाथ रखेगा तो डर ही जाएगा ना आदमी। सॉरी सॉरी यार, सॉरी। चल ये आवाज कहाँ से आ रही है? शटर से। यार ये आवाज तो शटर से आ रही है। लेकिन शटर तो बंद है। तो यार ये अंदर से आवाज कैसे आ रही है? अरे भाई साहब, मैं इधर बंद हो गया हूँ, मेरी मदद करो प्लीज। कहीं अंदर भूत तो नहीं ना? अरे फिल्म में देखा नहीं था, चुड़ैल अलमारी के अंदर बंद थी और अंदर से खटखटा रही थी। जैसे ही हीरो के दोस्त ने दरवाजा खोला, हीरो के दोस्त को मार दिया। हाँ दोस्त। अरे भाई मैं भूत नहीं हूँ, मैं जिंदा इंसान हूँ। अरे लेकिन यार ये तो मर्द की आवाज है। शायद चुड़ैल आवाज बदल के भूल रही हो। हाँ। अरे भाई फंस गया हूँ इधर, मुझे बाहर निकालो प्लीज। मुझे एयरपोर्ट तो अभी जाना नहीं, मुझे घर जाना है। वो भी ऐसे ही रो रही थी। अरे रो नहीं रहा हूँ, मैं हंस रहा हूँ देखो। बस हंस रहा हूँ देखो। भाग राजू। अरे ओए मत भागो। अरे सुनो, अरे तुम्हारी हे भगवान, कैसी मुसीबत में फंसा दिया है आपने मुझे। मुझे मेरी चिंता नहीं है, घर में सब लोग मेरी चिंता कर रहे होंगे, उसकी चिंता है मुझे। मुझे बहुत फिक्र हो रही है वीरा, कहाँ गए होंगे टप्पू के पापा? अरे मैं ना माय डियर जीजा जी एयरपोर्ट पर ही होंगे और गोर्धन काका को ढूंढ रहे होंगे। बतू चक्का अर्जेंट रावण, चलो हम लोग एयरपोर्ट पर जाते और माय डियर जीजा जी को ढूंढ कर लाते, चलो। अरे नहीं सुंदर, तू यहाँ बहना के साथ रुकना, हम लोग चारों है ना, तू फिक्र मत कर। वो बका कौन से प्लेटफॉर्म पर ढूंढेंगे जीजा जी को? उधर एक ही प्लेटफॉर्म होता है। बाय बाय। बाय बाय। पतू तुमने इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो देखा है ना? अरे हाँ सुंदर, मैं अमेरिका जाने के लिए कितने लोगों को वहाँ छोड़ने गया, मुझे पता है। आता जाओ जाओ जाकर फटाफट जीजा जी को ढूंढ कर लाओ, जाओ। चलो चलो। सुनिए मैं क्या कहती हूँ, एयरपोर्ट के कोने कोने में जाकर उनको ढूंढना और हर प्लेन के अंदर भी जाकर ढूंढना। हाँ हाँ हम लोग देख लेंगे, आप चिंता मत करो। चलो फटाफट निकलो, चलो 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 चलो, इंटरनेशनल एयरपोर्ट मजे आ जाएगा। अरे प्लेटफॉर्म टिकट लेने के जल्दी चल। बापूजी आखिर कहाँ गए होंगे टप्पू के पापा? बहू एक काम कर, मेहता को फोन कर। बापूजी मेहता साहब और अंजलि भाभी तो 3 दिन के लिए जोधपुर गए हैं। तो मम्मी शोरी अंकल, पोपट अंकल और भीड़ अंकल को फोन करो। अरे रहने दे बेना, किसी को फोन करने की जरूरत नहीं है, हम लोग है ना है? अरे माय डियर जीजा जी एयरपोर्ट पर ही होंगे और वे चार लोग उनको ढूंढ कर ही लाएंगे। लेकिन वीरा तुम्हारे जीजा जी एयरपोर्ट नहीं होंगे तो वो लोग उन्हें कहाँ ढूंढ लेंगे? और टप्पू के पापा का तो मोबाइल फोन भी बंद है। अरे बहना ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, माय डियर जीजा जी एयरपोर्ट पर ही गोर्धन काका को ढूंढते ढूंढते थक कर सो गए होंगे। अरे ये चार लोग उनको ढूंढ कर ही आएंगे बहना। भगवान करे ऐसा ही हो, वैसे तो थोड़ी भी देर होने वाली हो ना तो तुरंत फोन करके बता देते हैं।
माता जी टप्पू के पापा की रक्षा करना। जेठिया बबू चक समझता ही नहीं, एक फोन तो कर देना चाहिए, पता नहीं कहाँ होगा। मेरा अब क्या होगा? अरे मेरा कुछ नहीं हुआ होगा, तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैं हूँ ना, चल अंदर चल कर आराम कर, चल। अरे कुछ चिंता मत कर, मैं हूँ ना बेना, चल शांति। कुछ भी हो तो। अरे बेना बिल्कुल चिंता मत कर, आराम कर थोड़ी देर। बहुत जोर की भूख लगी है, लेकिन क्या कर सकता हूँ, हवा खा बेटा हवा। इतने सारे फ्रिज है लेकिन एक बूंद पानी नहीं पी सकता, इतने सारे टीवी है लेकिन टाइम पास के लिए टीवी भी नहीं देख सकता। ओह डेढ़ बज गया, अब तक तो दया और बापूजी मुझे ढूंढने के लिए निकल पड़े होंगे। ए भगवान, ढूंढते ढूंढते यहाँ गोडाउन तक आ जाए, ऐसा हो सकता है? सॉरी नहीं ना, नहीं मुझे आइडिया था लेकिन मैंने सोचा एक बार पूछ लूं। मैं गोडाउन में हूं वो तो उनको सपने में भी सपना नहीं आएगा ना। चलो जैसी आपकी इच्छा, सुबह तक इधर ही रहना पड़ेगा और सुबह तक निर्जड़ा उपवास। पापा मेरा मन बहुत घबरा रहा है, कम से कम एक फोन तो कर लिया होता। मेरी दया बिचारी बार बार मोबाइल पे फोन कर रही होगी, लेकिन उसे क्या पता मेरे मोबाइल ने जड़ समाधि ले ली है। टप्पू के पापा अब चिंता मत कीजिए। क्या चिंता मत कीजिए, और मुझे मेरी नहीं मुझे तेरी चिंता हो रही है दया। दया तेरी बहुत याद आ रही है। टप्पू के पापा कहाँ हो आप, जल्दी से आ जाओ, मुझे आपकी बहुत चिंता हो रही है। आपका मोबाइल फोन भी बंद है, अब से 5 मोबाइल फोन रखना, एक बंद हो जाए तो दूसरा, दूसरा बंद हो जाए तो तीसरा, तीसरा बंद हो जाए तो। मैं आपसे एक भी मोबाइल रखने वाला ही नहीं हूँ। क्यों? मैं तुम्हें छोड़ के कहीं जाऊंगा ही नहीं, तो मोबाइल रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सच? तो मुझे भगवान से कुछ। हे भगवान, टप्पू के पापा जहां पर भी हो उनका ध्यान रखना। रुको। हाँ सर। हेलो इंस्पेक्टर लोखंडे हियर। यस इंस्पेक्टर लोखंडे हियर। पिछले कुछ दिनों से चट्टी गैंग की चोरी और लूट की वारदातें बढ़ गई हैं, खासकर अंधेरी ईस्ट में चट्टी गैंग वाले रोज रात को चोरी कर रहे हैं। हाँ सर हमें पता है, चट्टी गैंग को ढूंढने की हमारी कोशिश जारी है सर। ऊपर से ऑर्डर है कि जल्दी से जल्दी चट्टी गैंग को पकड़वाया जाए। ओवर। ओके ओवर। पाटिल सर, इस चट्टी गैंग ने हमारी नाक कटवा दी है, हमारे इलाके में चोरी करते हैं, अब इस गैंग को किसी भी कीमत पर पकड़ना है, समझे? सर। चलो। ये गणिया, पुलिस आपन को ढूंढ रहे लिए रे। फिकर मत कर, हम पुलिस के हाथ नहीं आएंगे। अरे कैसे हाथ आएंगे, पुलिस चट्टी गैंग को ढूंढ रही है, पर आज हम चट्टी पहन के नहीं पैंट पहन के चोरी करेंगे। चल निकाल निकाल। चल अब बता आज किसे लूटना है? कड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। अरे बड़ा तो बड़ा। अबे बड़ा नहीं बे, कड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। कोई बात नहीं, उसी को लूट लेते हैं।
चल चल जल्दी चल। अबे इधर चल। सुनो ये देख, ये रहा गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। अबे सुन रहे कि नहीं? अबे सुन रहे लाऊं, बारिश में भी गया हूं, ठंड लग रही है। अबे अंदर गोडाउन में टीवी फ्रिज एलसीडी देखकर तेरी ठंड उड़ जाएगी। दो चार एलसीडी अपन में मार लेते हैं। चल शटर तोड़ कर देखते हैं। चल चल चल। लगता है कोई मदद के लिए आया है। थैंक यू भगवान। अरे सवाल के एक कोई सुन लेगा तो पकड़े जाएंगे। कोई सुन लेगा तो उन्हें भी दो फटके देंगे, समझा? हे भगवान, ये तो चोर है, मेरे गोडाउन में चोरी करना है। अभी क्या करूं क्या करूं? मुझे पकड़। अपनी तो लॉटरी लग गई रे, पूरा गोडाउन माल से भरा पड़ा है। फिर डायरेक्ट टेम्पो लेकर आना चाहिए था। हाँ सारा माल उठा ले चलते। छोड़ा भी जो मिलता है वो उठा ले चल। मेरी मेहनत की कमाई है, तुम्हारे बाप का माल नहीं है जो मिला ले जाएंगे। ये गण्या एक मिनट एक मिनट, एक बात देखी तूने? लाइट चालू है। अबे बंद करना भूल गया। सरकार बोलती है बिजली बचाओ, पर ये बड़े लोग समझते ही नहीं। बिल तेरे को भरना है। चल। क्या करूं? चोर से चिल्लाऊं? अरे इतनी दूर से शटर ठोक रहा था, किसी ने सुना नहीं। चोर से चिल्लाऊंगा तो ये दोनों ही सुनेंगे। हमला करूं? लेकिन वो दो है और मैं अकेले एक ही हूं। हमले में मुझे कुछ हो गया, दया बापू जी टप्पू का क्या होगा? लेकिन मैं चुप भी तो नहीं बैठ सकता। एक काम कर सकता हूँ, शटर तो खुली गया है, लाइट बंद करके बाहर भाग जाता हूँ और पुलिस को बुला के आता हूँ। लाइट किसने बंद कर दिया? ए, कौन है? कौन है? कौन है? अरे, ए, कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है तू? कौन है? लाइट तूने ऑफ किया? हाँ, इधर से। चल चालू कर। चल जल्दी। ए, कौन है तू और अंदर कहां से घुसा? शटर से। हमसे पहले घुसा क्या? हाँ। तू अंदर है फिर शटर को बाहर से ताला किसने मारा? मेरे आदमी ने। लेकिन बाहर तो कोई नहीं है। तेरा आदमी गया किधर? टेम्पो लाने गया क्या? हाँ हाँ। देख भाई ये हमारा एरिया है। हाँ। इधर की किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाने का क्या? मेरे ही माल को हाथ लगाने से मुझे ही रोकोगे? मेरे ही माल मतलब? मतलब गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक हूं मैं, जेठालाल गड़ा। ये गोडाउन भी मेरा है। तो तू अपने गोडाउन में चोरी करने आया? ये पागल। मैं पागल हूँ जो
अपने गोडाउन में चोरी करने आऊंगा। तू यहाँ आया किस लिए? छिछी किया कौए ने इधर तो मैं हाथ धोने के लिए आया उधर बाथरूम में। मेरे आदमी को मालूम नहीं था कि मैं हूँ अंदर, उसने बंद कर दिया शटर, इसलिए मैं इधर अंदर। देखो ये मेरी मेहनत की कमाई है, एक भी चीज को हाथ लगाया तो वरना खबरदार, वरना वरना क्या करेगा तू? पुलिस को बुलाऊंगा। पुलिस को बुलाएगा? कैसे बुलाएगा? फोन से? फोन तो तेरा डेड है। गणिया ने सुबह ही उसे मोबाइल मोबाइल है तुम्हारे पास? क्यों तुम्हारे पास नहीं है? सॉरी सॉरी, हाँ हाथ लग गया गलती से शटर को। तेरा फोन डेड है, मोबाइल तेरे पास है नहीं, तो फिर पुलिस को बुलाएगा कैसे? वैसे पुलिस को बुलाने का एक तरीका है। क्या? ऐसे कैसे जाऊं पुलिस को बुलाने? नहीं नहीं, जा जा, तू ऐसे ही पुलिस को बुला, जा। ए गण्या शटर खोल दे। अरे ओ भाई क्या शटर खोल दे भाई, ऐसे चड्डी बनियान में रास्ते पे कैसे जा सकता हूँ मैं? नहीं जा सकता ना सेठ जी, चुपचाप अपनी कुर्सी पर जाके बैठिए और हमें हमारा काम करने दीजिए। देखिए मैं तुमको यहाँ से कुछ भी ले जाना नहीं दूंगा। अच्छा ये गण्या, जैसे वो ताले पर फटका मारा था ना, वैसे ही एक फटका इसके सर पे भी मार, इसका भी काम हो जाएगा और साथ में अपना भी। मैं कराटे सिखा हुआ हूँ और ये मेरा हाथ नहीं, ये सलिया है। सलिया तुम्हारे पास एक सलिया है ना, मेरे पास दो है। और सुना सलिया का और कराटे के दुनिया में लोग मुझे जेठा लाल नहीं जेठा ली बुलाते हैं। बस 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 और मत डरो, आप बहुत भारी कराटे खेलते हो, वो तुम्हारा पेट देखकर ही हम समझ गए। ये गणिया है ना गणिया, इसकी हाइट पे मत जा, ये जंगली है जंगली, एक बार मारना शुरू करता है ना तो मारता ही जाता है रुकता नहीं। दिखाओ नमूना। सॉरी गलती हो गई भाई। तो चल अब हमारी मदद कर चोरी करने में, सबसे महंगा वाला एलसीडी कौन सा है बता। चल हे भगवान, ये कैसी अनहोनी हो रही है मेरे साथ, मेरा गोडाउन में चोरी करने के लिए मैं ही मदद करूं? ये बाबा ए बता ना कौन सा महंगा वाला एलसीडी बता। आपको महंगी चीजें ले जानी है ना, तो एलसीडी क्यों चाहिए, उससे भी महंगी महंगी चीजें गोडाउन में। देखिए वो फ्रिज है ना, वो सबसे महंगा है पूरे गोडाउन में, 2 लाख का है, वो ले जाइए। आप होम डिलीवरी करते हो? हाँ जरूर करते हैं, आप एड्रेस लिखवा दो, कल के कल करवा दूंगा। हमको अभी चाहिए, चल उठा। महंगा वाला एलसीडी चाहिए ना आपको? कोई डैमेज पीस दिखा देता हूँ, इनको क्या पता चलेगा। ओ उधर आपके पीछे वो बड़ा वाला है ना बॉक्स, वो सबसे महंगा वाला एलसीडी है। डैमेज पीस है? हाँ। हमको बेवकूफ समझा है? तुझे क्या लगता है हम पहली बार चोरी कर रहे हैं? देख खुला है। चल अभी चुपचाप से पेटी पैक पीस बता, वरना तू डैमेज पीस हो जाएगा। उसके बाजू में जो बॉक्स पड़ा है वो पेटी पैक पीस। चल उठा, उठाने में हमारी मदद कर। ये गणिया जा शटर खोल, जा चल आ जा, देख क्या रहा है।
उठा। देखो हराम के कमाई कभी हजम नहीं होती। चोरी करना बहुत बड़ा पाप है। ये बाबा चलना अभी तू क्या? अरे भाई देख कर उठा उठा उठा। आराम से भाई पल के। हाँ चल चल आराम से लेके चल। अरे उठा ना चल 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 आगे लेके चल। अबे चलना रुक क्यों गया? अरे भाई शटर तो बंद करो। एक मिनट। अरे भाई वो सलिया है ना आपके पास, वो उसमें भरा हैंडल में और खींचो। कुद का मर रहा खाली फोकट। वो क्या है ना, हमेशा खोलने के लिए वापरा है ना, कभी बंद करने के लिए वापरा ही नहीं। थैंक यू। चल देखते हैं। चल चल जल्दी चलो। अबे देख आगे देख। चल से चल। भाई क्या चल जल्दी। ये अच्छा नहीं कर रहा। अच्छा नहीं कर रहा। अरे संभाल के 50,000 कमा ले। पुलिस आ गई अभी तुम दोनों गए। पुलिस। ये तो चड्डी गैंग का आदमी लगता है, पर ये हमें हाथ क्यों दिखा रहा है? इधर इधर इधर। लगता है इनकी कोई नई चाल है। पाटिल आओ चलकर देखते हैं। साहब ये चोर यहाँ से एलसीडी चुरा कर भाग रहा था। साहब अरे दोनों झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे दोनों बोल रहे। चल तू इधर आ। ए जा ए पकड़ इसको पकड़ पकड़। क्या भाई चड्डी गैंग है, पुलिस को बहुत नचाया तूने, अब देख हम तुझे कैसा नचाते हैं। चड्डी गैंग अब किसके साथ बात कर रहे? यह चड्डी किसने पहन रखी है? सभी ने शायद। मैं इस चड्डी की बात कर रहा हूँ। हाँ ये मैंने पहनी है। आज रंगे हाथ पकड़ में आए हो, डायरेक्ट गोडाउन से एलसीडी चुरा रहे हो है? अरे ये गोडाउन भी मेरा है और ये एलसीडी भी मेरा है। अच्छा तू यहाँ का मालिक है? हाँ जेठालाल गड्ढा। तो आधी रात में चड्डी पहनकर यहाँ क्या कर रहा है? मैं समझाता हूँ। क्या ये गोडाउन है ना, उसके पीछे मेरी दुकान है गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स। तो एक मिनट भाई छोड़ना, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, इधर ही हूँ भाई इधर ही। तो क्या हुआ कि मैं, मेरा बापूजी के एक दोस्त है गोर्धन काका, वो दुबई से आ रहे थे, तो मैं उनको लेने एयरपोर्ट जाने के लिए मैं निकला। तो उतने में क्या हुआ, दुकान से बाहर निकला ना, कौवा हाथ पैसे चिचिक किया। तो अभी ऐसा हो गंदा हाथ लेके तो जा नहीं सकता, तो मैंने बोला गोडाउन में अंदर बाथरूम है, मैं बोला उधर हाथ धो के जाता हूँ। तो मैं गोडाउन में आया, अभी क्या मैं बारो बार से ऐसे इधर बाथरूम में चला गया, तो मेरे आदमी को तो पता ही नहीं कि मैं इधर गोडाउन में बाथरूम में हूँ। तो उसने क्या बाहर से गोडाउन बंद कर दिया और मैं अंदर फंस गया। फिर ये दोनों चोर चोरी करने आए, और ये है ना बड़ा चोर, वो कपड़े उसने मेरा उतर के पहन लिए, तो मैं चलते में आ गया। कितनी कहानियां बनाएगा रामेबाज, इसको पकड़ के गाड़ी में डालो। और सुनो वो एलसीडी डालना मत भूलना समझे, तुम गोडाउन पर पहरा देना और सुबह इस गोडाउन के मालिक का पता लगा लेना। ठीक है? ठीक है सर। अरे मालिक मैं हूँ साहब, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स जेठालाल गड़ा मैं ही हूँ। ये सब कल कोर्ट में कहना। ठीक है, कल सुबह कितने बजे पहुँचू कोर्ट? धक्के दूंगा अभी, कितने बजे पहुँचू। हाँ और तुम दोनों साहब यहाँ पर केमिस्ट कहाँ मिलेगा? केमिस्ट? ए तुम चुप। साहब हम दोनों की माँ बहुत बीमार है। दोनों की माँ एक साथ बीमार पड़े? दोनों की एक ही माँ है। झूठ पे झूठ बोले जा रहे। क्यों दोनों की एक माँ नहीं हो सकती? हो सकती है। हो सकती क्या है? है हम दवाई लेने ही निकले थे कि अचानक इस चोर पर नजर पड़ गई। आगे नुक्कड़ पर दुकान है, दवाई वहां से खरीद लेना। और हाँ सुनो पैसे वैसे हैं तुम्हारे पास?
नहीं थैंक यू सर, पैसे है। बंद करो ये धंधे। अरे ये दोनों चोर है साहब, इनको कहाँ छोड़ रहे हैं? यो, तुमने क्या सोचा ये घड़ी और जूते पहन के तुम बच जाओगे? भोली सूरत दिल के खोटे, चड्डी गैंग अब बजेगा तुम्हारा बैंड। बता तेरी गैंग में और कौन कौन है बोल। अरे साहब मैं चड्डी गैंग का आदमी नहीं हूँ, मैं पैंट गैंग का आदमी, मतलब मैं रोज पैंट ही पहनता हूँ। ये चोरों ने मेरे कपड़े उतार लिए तो मैं चड्डी में आ गया, बाकी मैं शादी शुदा इंसान हूँ, एक बीवी है, एक बच्चा और एक बापू जी भी है। सब बेचारे घर पर राह देख रहे, चिंता कर रहे होंगे, उनको तो पता भी नहीं कि मैं इधर गोडाउन में फंस गया हूँ। प्लीज मेरी बात का विश्वास कीजिए, मैं चोर नहीं हूँ। हर चोर पकड़े जाने पर यही कहता है। सुनो तुम दोनों इसे जीप में डालो। अब सुनो तुम एलसीडी अंदर डालो, मैं इसको अंदर लेकर आता हूं। अरे 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 साहब मेरी बात सुनो, मैं चोर नहीं हूँ साहब। साहब मेरी बात मानिए, मैं चोर नहीं हूँ। एक काम कीजिए, गाड़ी थोड़ा मेरे घर पे ले लीजिए, मैं दया टप्पू बापू जी सबसे मिलाता हूँ, आपको सब पता चल। सॉरी सॉरी, बात मानिए साहब। बैठ जाओ चुपचाप, संभाल के भाई, संभाल के 50,000 का माल है भाई। मम्मी चलो। हाँ सुंदर, हाँ हमने पूरा एयरपोर्ट छान मार लिया, जीजाजी कहीं नहीं दिख रहे। अरे ठीक से ढूंढो माय डियर, जीजाजी कहीं सोए हुए मिल जाएंगे। हाँ सो गए होंगे, एक बार ट्रेन का इंतजार करते करते स्टेशन पर ही सो गए थे और ट्रेन चली गई थी। सुना तुम लोगों ने, जरा ध्यान से ढूंढो, वहीं पे सोए हुए मिलेंगे, समझे? हाँ ठीक है ठीक है। अरे साहब मेरी बात सुनिए, मैं चोर नहीं हूँ। अरे मेरी शक्ल तो देखिए साहब, शक्ल से मैं आपको चोर दिखता हूँ? वो जो सूट वाला आदमी अंदर खड़ा है ना, उसकी शक्ल देखो, वो क्या लगता है तुम्हें? वो तो कोई बड़ी कंपनी का मालिक लगता है। वो कार चुराते पकड़ा गया है। वो कह रहा था कि कार मेरी है, अब तू बता उस शक्ल से कार चोर लगता है? गायकवाड़ इसे अंदर कर से चल। अरे साहब मैं चोर नहीं हूँ, वो दो जिनको आपने छोड़ दिया वो लोग चोर है साहब, मेरी बात मानिए। चल अंदर। मैं चोर नहीं हूँ साहब, गलती हो गई है साहब। चल। मैं नहीं हूँ चोर। हेलो सर, लोखंडे हेयर। हाँ सर एक गुड न्यूज है सर। नहीं नहीं सर, बीबी तो मायके गई है सर। गुड न्यूज ये है सर कि मैंने एक चड्डी गैंग के मेंबर को पकड़ लिया है सर। जी सर, जी थैंक यू सर। सर आप कहें तो प्रेस को बुला लो। ओके सर, ओके हाँ हाँ सर, सब सारी गैंग पकड़ लेंगे तब प्रेस को बुलाएंगे। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू, गुड नाइट सर। क्या भाई तुम भी ऐसा सूट पहन के कोई चोरी करता है? तुम जैसे लोगों की वजह से पुलिस का सबके ऊपर से भरोसा उठ गया। सूट वाले भी चोर लगते हैं, चड्डी वाले भी चोर लगते हैं, तो फिर लोग पहने क्या? अरे छोड़ो यार, छोड़ो आ जाओ। नहीं, माफ ही बोला, मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ क्या? नहीं, बिल्कुल सही बात है। ऐसा सूट पहन के चोरी करेंगे तो सबको लगे सब चोर ही है। नहीं शांति से बैठिए आप, यहाँ किसी को कुछ बोल के फायदा ही नहीं है। तुम बोलो मैं शक्ल से चोर दिखता हूँ? बिल्कुल नहीं, मैं तो आपको देखते ही समझ गया था कि आप बिल्कुल शरीफ आदमी हैं। शरीफ मतलब? गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की मेरी दुकान है, उसमें कम से कम 40-50 लाख का माल होगा, उतना ही माल गोडाउन में भी है। अरे पूरा साल का मेरा टर्नओवर नहीं तभी 1 करोड़ का है, 30 लाख रुपया टैक्स भरता हूँ मैं। और आज की तारीख में अगर मैं गोडाउन और दुकान बेचने जाऊँ ना तो
दोनों का मिला के मुझे कम से कम 6-7 करोड़ तो यूं मिल जाए, और ये लोग बोल रहे मैं चोर। क्या है ना भाई साहब, ये पुलिस वालों का ऐसा ही होता है, अभी उनके पास सत्ता है ना, हम लोग कुछ नहीं बोल सकते। सत्ता का मैं शानपण नकामी। आप किस वजह से है अंदर? फिरौती। मतलब? हफ्ता वसूली। वो क्या है ना सेठ, मैं आप जैसे बड़े बड़े व्यापारियों से ये बड़ा बड़ा हफ्ता लेता। मैं अभी जो बोला वो सब झूठ था, मैं बहुत फेंक रहा था, पता नहीं बचपन से मुझे आदत कहाँ से लग गई, बहुत फेंकता हूँ मैं, फेंकम फेंक करता हूँ। मैं वैसे चोरी हूँ, साधारण चोर हूँ, बराबर पकड़ा पुलिस ने मुझे, वो एलसीडी में ही चुरा रहा था। साहब इसने कबूल कर ली है, एलसीडी की चोरी इसने की है। अरे वाह। साहब इसने कबूल कर ली है, एलसीडी की चोरी इसने की है। अरे वाह। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे अरे मैं तो मजाक कर रहा था, मैं भगवान ये क्या है, जेल है। अरे भगवान, मैंने आपसे प्रार्थना की थी कि मुझे गोडाउन से बाहर निकालो, गोडाउन से बाहर निकाल के जेल में डालने की प्रार्थना थोड़ी की थी, ये कहां किन लोगों के बीच में फंसा दिया मुझे। आपकी बात नहीं कर रहा हूं, पुलिस पुलिस की बात कर रहा हूं। मोबाइल मोबाइल प्लीज एक फोन करने दो ना, घर पे क्या है, मेरे घर वाले बहुत परेशान है, उनका मालूम ही नहीं मैं इधर फंस गया हूँ, प्लीज प्लीज एक फोन। 1000 होगा। पागल हो गया क्या, 1000 क्या, क्या अभी चोरी पकड़ी गई थी, 1000 रुपया एक फोन का, 1000। ये क्या हो रहा है? अरे साहब इनके पास मोबाइल है, मैंने बोला एक फोन करने दो तो बोलते एक फोन का 1000 होगा। किधर है? अरे मेरे पास किधर मोबाइल है, देखो किधर है, किधर है? ये नहीं, ये दिखाओ, ये क्या जेल में झूठ, ये देखो साहब, ये मोबाइल ले तो क्या है, मोबाइल लेके नहीं, मोबाइल अलाउड नहीं। अरे एक मिनट, अरे घर में फोन करने तो बाद में ले लो। सॉरी। ऐसे बेवकूफ को तो लाइफ टाइम अंदर रखना चाहिए। बाबूजी बहुत देर हो गई, चलो हम टप्पू के पापा को ढूंढने के लिए जाते हैं। बहुत सच कह रही है, चल सुंदर, चलो चलो मीरा। सुंदर हमने पूरा एयरपोर्ट देख लिया, जीजा जी कहीं नहीं मिले। जरूर टप्पू के पापा कोई बड़ी मुसीबत में फंस गए होंगे। मीरा चलो हम पुलिस स्टेशन जाते हैं। हाँ बेना चलो, सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाकर फरियाद कर देते हैं, बाद में कहीं और जगह पे ढूंढेंगे। बेना तुम सबसे पहले माय डियर जीजा जी का फोटो ले आओ। बाबूजी आधी रात हो गई है, आप टप्पू और बेना यहीं पे रुको, मैं और पतो पुलिस स्टेशन जाकर वापस आ जाते हैं। नहीं मैं आता हूँ। मीरा मैं भी सच में आती हूँ। हाँ मैं भी आऊंगा। हाँ हम सब चलते हैं। अरे पर माय डियर जीजा जी यहाँ पे आ गए तो यहाँ पे कौन होगा? एक काम करो तुम सब यहीं पे रुको, हम लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं, समझे? चलो बाबूजी, चलो बेना। तुम बोलो, मैं शकल से चोर दिखता हूँ? बिल्कुल नहीं। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की मेरी दुकान है, उसमें कम से कम 40-50 लाख का माल होगा, उतना ही माल गोडाउन में भी है। अरे पूरा साल का मेरा टर्नओवर नहीं नहीं तभी 1 करोड़ का है, और ये लोग बोल रहे मैं चोर हूँ। आप किस वजह से है अंदर? हफ्ता वसूली। मैं आप जैसे बड़े बड़े व्यापारियों से ये बड़ा बड़ा हफ्ता लेता। बापूजी बहुत देर हो गई, चलो हम टप्पू के पापा को ढूंढने के लिए जाते हैं।
सुंदर हमने पूरा एयरपोर्ट देख लिया, जीजा जी कहीं नहीं मिले। जरूर टप्पू के पापा कोई बड़ी मुसीबत में फंस गए होंगे। मीरा चलो हम पुलिस स्टेशन जाते हैं। एक काम करो तुम सब यहीं पे रुको, हम लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं, समझे? चलो बापू जी चलो। चलो मेरा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे, झूठ बोलोगे तो पड़ेंगे टंटे। अब सच बता, तेरी बीवी एक दिन से गायब है या दो दिन से? साहब दो दिन से। अभी तो एक दिन बोल रहा था। साहब हमारी बीवी रूठ कर एक आध दिन के लिए चली भी जाती थी, इस बार दो दिन हो गया। तू एक दिन काउंट ही नहीं करता? कमाल है यार, तू एक दिन को एकदम नॉर्मल में गिनता है। वो एक दिन गिनता ही नहीं है क्या? तेरी बीवी कहीं भी चली जाए। सर ए चुप आगे बोल। साहब चमेली ने पकौड़े बनाए थे। चमेली पकौड़े? ये चमेली कौन है? अरे साहब सुंदर सी नाजुक सी हमारी बीवी। अच्छा आगे। उसने सोच दिया और हमने चटनी मांगी, बस इतनी सी बात, छोटा सा झगड़ा हो गया और रूठ कर चमेली चली गई साहब। अरे भाई वो चटनी लेने कहीं गई होगी, तलाश किया किसी से पूछा? हाँ पूछना चाहिए था भाई। ये लोग ना पूछते ही नहीं है, वो चटनी लेने कहीं गई होगी, है कि नहीं? अरे साहब उसके मायके के सिवा बस मेरा एक दोस्त है, पर वो भी दो दिन से नहीं आया। दो दिन से बीवी गायब है और दो दिन से दोस्त भी गायब है। अच्छा साहब दोस्त बहुत अच्छा है, भगवान जैसा है साहब, पर साहब दो दिन से उसका भी पता नहीं है। तुम्हारे बीवी की गायब होने की कंप्लेंट लिखूं या तुम्हारे दोस्त के गायब होने की कंप्लेंट लिखूं? ये कंप्लेंट किसके लिखूं? हमारी कंप्लेंट लिखो। अच्छा क्या है वो? माय डियर जीजा जी खो गए हैं। टप्पू के पापा लापता है। मेरे पापा खो गए। हाँ मेरा बेटा लापता है। एक मिनट ये एक साथ चार चार लोग कैसे खो सकते हैं? अरे चार नहीं एक ही है। देखिए मेरे पति यानी कि मेरे बेटे टप्पू के पिता, इनके जीजा जी और बापू जी के बेटे एक ही है। जेठालाल चंपकलाल गड़ा। जेठालाल चंपकलाल गड़ा, ये नाम कहीं सुना हुआ लगता है। नहीं हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे, झूठ बोलोगे तो पड़ेंगे डंडे। वो मोटा सा जिसकी छोटी छोटी मूछ है, गोकुलधाम सोसाइटी में रहता है। गोकुलधाम सोसाइटी बराबर बराबर, ये लीजिए उनका फोटो, अब जल्दी से ढूंढिए ना प्लीज। ओ जेठालाल किसके साथ भाग गए? नहीं नहीं चाचा जी, वो क्या है ना कि इसकी बीवी दो दिन से गायब है, तो मैंने सोचा कि जेठालाल ऐसे। साहब कुछ कीजिए ना, अब मैं अपनी लाइफ में कभी पकौड़े नहीं खाऊंगा साहब। अच्छा क्या मुसीबत है, किसी की पत्नी गायब हो जाती है तो किसी का पति गायब हो जाता है। बहन जी क्या बताऊं, सवेरे से आज ऐसे ही केस आ रहे हैं। ये जेठालाल दो दिन से गायब है ना? नहीं नहीं, टप्पू के पापा आज रात 10 बजे से गायब है। ए तो साहब मेरा केस अर्जेंट है ना? अच्छा इनका केस एकदम ताजा है, तुम्हारी बीवी तो दो दिन से गायब और आज आ रहे हैं। इनको देखो 10 बजे पति खोया और यहाँ आ गए। हाँ बोलो बहन जी। टप्पू के पापा रात को 10 बजे दुकान से एयरपोर्ट जाने के लिए निकले थे और पहुँच गए? नहीं नहीं पहुँचे। तो और उनका मोबाइल फोन भी बंद है। लेकिन साहब मेरी बीवी तो दो दिन से गायब है। चुप। तो आपके पति को पकोड़े बहुत पसंद है? नहीं नहीं फाफड़े जलेबी। अरे साहब पकोड़े मुझे पसंद है। चुप। तो आपका टप्पू के पापा के साथ झगड़ा हुआ? नहीं। अरे साहब मेरी बीवी का मुझसे झगड़ा हुआ था। अच्छा तो फिर आपके पति क्यों भाग गए? चालू जी मतलब पांडे साहब आप फाफड़ा और पकोड़े की मिक्स प्लेट बना रहे हो। ओहो वो जलेबी पकोड़ा वो सब मिक्स हो गया। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं जरा इसका निपटा देता हूँ, फिर आप लोग से मिलता हूँ।
तेरी बीवी दो दिन से गायब है, अपनी बीवी का फोटो ले और वहां जाके कंप्लेंट लिखा, समझा? ए मोरे। यस सर। ऐसा कंप्लेंट कह रहे? जी सर। चल जा। जी सर। दो दिन हो गया बीवी को घर आ जा रहे। हाँ तो चाचा जी, आपकी बीवी कब से गायब? अरे मेरा बेटा गायब है। ओ, मतलब आपका बेटा भी गायब? अरे नहीं, सिर्फ माय डियर जीजाजी जेठालाल चंपकलाल गड़ा ही गायब है। हाँ वो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया चाचा जी। वो क्या है ना चाचा जी, 24 घंटे से पहले गायब होने की रिपोर्ट हम लोग पुलिस स्टेशन में लिखते नहीं है। और आप लोग क्या इस पुलिस स्टेशन के रेगुलर विजिटर हो, तो आप लोग की सेवा करनी होगी ना। थैंक यू। तो बताइए, आप दोनों में झगड़ा हुआ था? नहीं। आपकी कोई बेस्ट फ्रेंड आपके घर रोज आती थी? नहीं। आपकी किसी से कोई दुश्मनी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर क्यों भाग गया वो? अरे ये कैसे सवाल है? नहीं नहीं चाचा जी, वो क्या है ना कि पति पत्नी में झगड़ा होता है तो कभी पति भाग जाता है और कभी कभी पत्नी भाग जाती है। अब देखो उसकी पत्नी ही भाग गई है। और क्या है ना, हमको थोड़ा वो किडनैपिंग का भी एंगल देखना पड़ता है ना थोड़ा। पांडे साहब, इसमें किडनैपिंग वाला कोई एंगल नहीं है। अच्छा, आपको कैसे पता? अंदाजे से। अच्छा। क्या है, मेरा वीरा का अंदाजा अक्सर सही होता है, क्यों बापू जी? अच्छा, आपकी दुकान कहाँ है? अंधेरे में। आप लोग गलत जगह पर आ गए। गलत जगह पर? क्यों, ये पुलिस स्टेशन नहीं है? तो गुमशुदा लोगों को ढूंढने के लिए पुलिस स्टेशन ना जाए तो और कहाँ जाए? रेलवे स्टेशन। वो क्या है ना चाचा जी कि ये गोरेगांव पुलिस स्टेशन है और आप लोगों का केस अंधेरी पुलिस स्टेशन का है, तो आप लोगों को अंधेरी पुलिस स्टेशन में जाना होगा। अरे वहां भी कुछ नहीं हुआ तो आप लोगों को एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन जाना होगा। और अंधेरी पुलिस स्टेशन के जो सीनियर इंस्पेक्टर लोखंडे है ना, वो मेरे खास पहचान वाले। कोई प्रॉब्लम हो तो बोलना, करा दो। अब आप लोग जा सकते। चलो बेना, अंधेर नगरी। हम हैं इंस्पेक्टर चालू पांडे। उल्टा सीधा बोलोगे ना तो पड़ेगा टंडे। सॉरी गलती हो गई, अंधेरी पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। फोटो। चलो बहन। बहन जी, जैसे आपको जेठालाल मिल जाते हैं ना, हमको खबर कर देना। ये तो क्या, हम लोगों को इधर उधर ढूंढना पड़ता है, अभी बहुत टेंशन इधर उधर का। अच्छा बहुत क्या नाम बताए थे तेरी दुकान का? गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। हाँ, कहाँ है, कहाँ ये? मैंने बोला ना, मैं फेंक रहा था, झूठ बोल रहा था। पता नहीं कहाँ से, लेकिन बचपन से ये बहुत बुरी आदत मुझे लग गई है। बहुत फेंकता हूँ, बहुत झूठ बोलता हूँ। बाकी अपन किधर हो, सब लाखों की बातें खाली सुनी है। ए चड्डी, बारा। हाँ, ओके, चलो। अरे वाह, थैंक यू साहब। चलो चलता हूँ। कहाँ चला? बस अभी सीधा घर जाऊंगा, नहाऊंगा, फुल लहंगा पहनूंगा, कुर्ता पहनूंगा, खाना खाऊंगा, बहुत टाइम से भूख लगी है, फिर एसी चालू करके मस्त सो जाऊंगा। पुलिस से कमेडी कर रहा है? चल साइन कर इधर, चल यहाँ साइन कर। क्या लिखा है इसमें? यही कि तू एलसीडी चोर है। मैं चोर नहीं हूँ साहब, मैं व्यापारी हूँ। एक एक फोन मेरे घर पे कर लीजिए, आपको सब पता चल जाएगा। प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट करो, एक फोन कीजिए मेरे घर पे। बोलो नंबर। हाँ, 022। 022? ये मोबाइल है? ये मोबाइल किधर है? तो 022 क्यों बोल रहा है? अरे हाँ, सॉरी सॉरी, वो मोबाइल से हमेशा नंबर लगाने की आदत पड़ गई है ना, इसके लिए। हाँ, 2875634। Hmm.
मुंबई में कुछ होता ही नहीं है क्या? हेलो हेलो, ये जेठालाल का घर है? सॉरी भाई, रॉन्ग नंबर है। ये तो रॉन्ग नंबर बोल रहा है। कौन सा नंबर लगाया आपने? जो तुमने दिया। सब एक बार मैं कोशिश करके देखूं, प्लीज। लो। थैंक यू। हेलो। हाँ हेलो बापूजी। बापूजी यात्रा पे गए? हेलो हेलो, किसका फोन था? अरे मेरे बापूजी के लिए फोन था, वो तो यात्रा पे गए। सो जा। ये किसकी आवाज थी? जरूर सुंदर का कोई अतरंगी दोस्त होगा। क्या हुआ? घर का फोन बंद आ रहा है। अपना नाटक भी बंद कर अब और साइन कर दे, चल। अरे मैं साइन कैसे करूं साहब, मैं चोर नहीं हूं। चाहिए तुम्हारे आसपास के दुकानदारों से पूछ लो, मेरे अड़ोसी पड़ोसी से पूछ लो। मैं तेरी वजह से उनको आधी रात को डिस्टर्ब करूं? हमारी सोसाइटी वाले बहुत अच्छे हैं साहब, उनको आधी रात को जगाएंगे ना, बिल्कुल बुरा नहीं मानेंगे। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा, तुझे खर्चा पानी देना ही पड़ेगा। खर्चा पानी? अच्छा आइडिया लगा है, उस दुकानदार को ही चोर बना के पकड़वा दिया, वरना हम लोग लॉकअप में रहते। हाँ तो अपनी किस्मत साथ दे रही है बीड़ू। किस्मत साथ दे रही है तो फायदा उठाते। कैसे? वो दुकानदार तो अब लॉकअप में है, उसके छूटने का कोई चांस नहीं। तो अपना टेम्पो ले जाकर वहां से 10-15 LCD उठा लेते। गुड आइडिया, पर उधर तो हवलदार खड़ा है। चलना, फिर देख उस हवलदार को मैं कैसे फुटाता हूँ। अरे रिक्शा भी नहीं मिलती यहाँ पे, तो है कैसा एरिया है। अरे पता नहीं टप्पू के पापा कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे। रो मत, कुछ नहीं हुआ होगा जेठिया को। हे भगवान, ये तो मुझे ही देख रहा, कहाँ मैंने इसके सामने पूरा अपना हिसाब का चोपड़ा खोल दिया। रिक्शा रोको रोको रोको, बैठो बैठो बैठो, जल्दी बैठो, चलो फटाफट मेरे गोदी में बैठ जा, चल फटाफट आओ बापूजी आओ। कहाँ पे जाना है? अंधेरी पुलिस स्टेशन ले लो। अरे भाई लेके तो चल रहा हूँ ना, तो पुलिस स्टेशन क्यों? अरे भाई तुम्हें नहीं ले जा रहे हैं, हमें हमारे काम से पुलिस स्टेशन जाना है। हाँ हाँ चल रहा हूँ, चलो जल्दी जल्दी चलो जल्दी। चलो भाई जरा जल्दी लेना भाई, इस तरह से आए थे तो ढीले ढीले मत लेना। ये पक गया? हाँ रेडी। अरे तू देख अभी कैसे भगा तो उस हवलदार को, देख पहले तू तो भाग। चड्डी चो, ए थाम थाम, कुठे पडतोस थाम, अरे कुठे गेलास ए चड्डी चोर। हमारा गोडाउन भी खुला है और वहाँ टेम्पो भी खड़ा है, देखा?
इतनी रात को गोडाउन खुला है? ये तो माय डियर जीजाजी लगते हैं। नहीं वीरा, ये तुम्हारी जीजाजी नहीं है, पर मम्मी कपड़े तो पापा के ही है। कहीं ये लोग चोर तो नहीं है? ओ माता जी, तो फिर टप्पू के पापा कहाँ गए? तो ये उन्होंने अरे नहीं बेना, उन्होंने कुछ नहीं किया होगा, उन्हें सिर्फ बांध कर बिठा दिया होगा। भाई साहब मुझे छोड़ो ना। हाँ भैया, पुलिस को फोन करो। अरे बहू उतना वक्त नहीं है हमारे पास। तो फिर चलो हम पकड़ते हैं उनको। लेकिन उनके पास हथियार हो सकते हैं। हाँ बहू, हमें जोश से नहीं होश में रह के चालाकी से इन्हें पकड़ना है। पर कैसे? मेरे पास एक मस्त आइडिया है। शाबाश बहू। ओके धीरे 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 चलो। क्या लेके जा रहा है? कुछ नहीं। तो ऐसे क्यों चल रहा है? मैं ऐसे ही चलता हूँ। देखो पीछे भी ऐसे ही चलते हैं। अरे बचाओ और छोड़ दो। जोर से पकड़ो, छूटने जाएगा ये।
ये चड्डी गैंग के लोग हैं। और आप लोग? मैं ये दुकान के मालिक की पत्नी हूँ, दया गड़ा। और ये है उनके पिताजी। और मैं हूँ उनका साला। और मैं उनका बेटा। और ये लोग कौन है? ये बोरी हटाओ। देखिए साहब, पक्के बदमाश है। भागता किधर? तुम लोग? अरे तुम्हीं ने तो वो चड्डी गैंग के आदमी को पकड़वाया था ना। साहब हम लोग बहुत अच्छे लोग हैं साहब। अच्छा वो अच्छे अच्छा लोग हैं तो बताओ, हमारा गोडाउन खोल कर टेम्पो में माल क्यों भर रहे थे? ये खरा कहते सांगा नहीं तो फटके लावना था। नहीं नहीं साहब, साहब हम लोग चड्डी गैंग वाले हैं। देखा देखा। अरे तो फिर वो कौन था जिसे हम पकड़ के लेके गए? वो इस दुकान का मालिक था। मेरा जीजा जी को तूने पकड़ के पुलिस स्टेशन भेज दिया। क्या मतलब वो सही बोल रहा था? हवलदार भाई चलिए जल्दी हम पुलिस स्टेशन जाते हैं और टप्पू के पापा को छुड़ाते हैं। हाँ चलो चलो चलो। मेरा सबसे पहले एलसीडी गोडाउन में रख देते हैं। और लड्डू को फोन करके यहाँ बुला ले ताकि वो गोडाउन संभाल ले। मैं अभी फोन करता हूँ। हेलो हेलो नटू काका, आप फटाफट गोडाउन आ जाओ। क्यों? अरे वो कथा मैं बाद में करता हूँ, आप फटाफट गोडाउन आ जाओ। ठीक है अभी पहुँचता हूँ। हाँ जल्दी आओ, चलो इनको लेके अंदर जाते हैं। अरे बापूजी, सेठानी जी, टप्पू सेठ, सुंदर भाई, आप लोग सब यहाँ? और ये लोग कौन है? ये लोग चोर हैं, चोरी करने आए थे। अरे हम लोग यहाँ पसीना बहाते हैं, मेहनत करते हैं और तुम लोग चोरी करते हो, शर्म नहीं आती? हवलदार साहब, ये चोरों को इतने फटके मारना कि जिंदगी भर चोरी करना भूल जाए। सेठ जी कहाँ है? पुलिस स्टेशन में। पुलिस स्टेशन में क्यों? तुम लोगों ने जेठिया को गोडाउन में बंद कर दिया था। मतलब हम लोग जब गोडाउन बंद करके निकले तो सेठ जी गोडाउन में थे? हाँ। अच्छा, इसलिए सेठ जी को पुलिस स्टेशन ले गए? वो क्या हुआ नटू काका? वो बहुत लंबी कहानी है, मैं आपको शांति से बताऊंगा। अभी हम सब लोग पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, आप गोडाउन संभालो। ओके? हाँ जी। पता नहीं पुलिस स्टेशन में टप्पू के पापा पर क्या बीत रही होगी। पता तो साइन करेगा नहीं। जाओ पहले उसकी साइन लेके आओ जो मुझ जैसा व्यापारी से हफ्ता वसूलता है। जाओ पहले उसकी साइन लेके आओ जो सूट पहन के कार की चोरी करता है। दोनों ने साइन कर दी तो वो दो चोर की साइन लेके आओ जो मेरे ही गोडाउन से एलसीडी की चोरी कर रहे थे। कौन से दो चोर? ये लोखंडे साहब को पता है। साहब बताओ कौन से दो चोर? ए चुप कर तू, तू ही चोर है। मैं चोर नहीं हूँ साहब, मेरे ही गोडाउन में से मैं कैसे चोरी कर सकता हूँ? जब इस देश के करोड़पति नेता इस देश को लूट सकते हैं तो तू भी अपनी दुकान को लूट सकता है, समझा? फोन है आप। हेलो। हाँ लोखंडे। हाँ चालू पांडे जी। वो जो भारत बैंक रॉबरी केस वाला छोटा पकिया था ना? हाँ। उसकी खबर मिल गई है, वो कल सुबह अंधेरी रेलवे स्टेशन पर आ रहा है। थैंक यू सर, मैं कल सुबह ही जाल बिछा देता हूँ। गुड। एक मिनट, इंस्पेक्टर चालू पांडे जी का फोन है। हाँ। वो मुझे जानते हैं, एक मिनट मेरी बात कर रहे हैं ना प्लीज। अरे लोखंडे, कौन मेरा नाम ले रहा है उधर? एक मिनट पांडे जी, मैं स्पीकर ऑन करता हूँ। हेलो 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 चालू पांडे जी, नमस्कार। नमस्कार,
आप कौन? मैं जटालाल गड़ा, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। ओ कार चोर। अरे चालू पांडे जी, आपको मालूम है कार चोरी का तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगा था, बाकी मैं तो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक हूँ। जानता हूँ जानता हूँ। और तुम वहाँ क्या कर रहे हो भाई? तुम्हारी फैमिली यहाँ ढूंढने आई थी तुमको। अच्छा, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? अरे बहुत लंबी कहानी है, मैं शॉर्ट में बताता हूँ पांडे जी। हाँ समझा। अब ये लोखंड साहब ने मेरे ही गोडाउन से चोरी करने के इल्जाम में पकड़ लिया है। जरा आप इनको बताइए कि गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक हूँ मैं। लोखंडे, आपको बुला रहे? जी जी पांडे जी, छोड़ दे इसको, यही गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक है भाई। ओ नो, थैंक यू पांडे जी, थैंक यू। एक मिनट, फोन। थैंक यू पांडे जी, थैंक यू। आपको कभी भी LCD टीवी फ्रिज कुछ भी चाहिए तो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में आना और जो मॉडल पसंद है वो ले जाना सर। चालू पांडे को रिश्वत देने की कोशिश कर रहा है? नहीं, अरे रिश्वत नहीं दे रहा हूँ, आपको उसके पैसे चुकाने पड़ेंगे। तू मुझसे पैसे लेगा? मुझसे पैसे लेगा? मुझे कुछ नहीं चाहिए, लोगों का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है। ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा कभी भी आप उधर से निकलो तो चाय पानी तो पीने के लिए आ सकते हैं ना? हाँ आऊंगा। बाय बाय। ओके थैंक यू सर। ओके सर थैंक यू, सॉरी। नहीं, कोई बात नहीं, गलती किससे नहीं होती, आप भी आखिर इंसान ही है ना। अभी तो आपको पता चल गया ना कि चोर वो दोनों थे जो केमिस्ट की दुकान ढूंढ रहे थे। हाँ सॉरी, अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम आपको फोन करेंगे, तो आप आ जाना ठीक है? हाँ बिल्कुल, मैं हाजिर हो जाऊंगा इधर। तो साहब मैं वो LCD भी अभी साथ में लेके जा सकता हूँ ना? नहीं, उसका थोड़ा पेपर वर्क करना पड़ेगा, उसके बाद तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है कोई बात नहीं, मुझे आप पे भरोसा है, आप जब भी बोलेंगे तभी लेके जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं निकलूं? हाँ बिल्कुल निकलूं। जरा ये मैं खोल लूं, ले लीजिए। थैंक यू लोखंडे साहब। एक बात बोलो। हाँ बोलो। आप भी डे, पांडे जी भी डे, मतलब लोखंडे पांडे, दोनों डे होने के बावजूद नाइट में ड्यूटी करते हैं। फिर से अंदर कर दूं? ब्लैकबोर्ड। जी सर। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या सर? ये चड्डी गैंग वाले हमें बेवकूफ बना गए, कुछ भी करके इस चड्डी गैंग को पकड़ना ही पड़ेगा। यस सर। जल्दी जल्दी हो गया आपका? चलो चलो भाई, एक मिनट, गोकुलधाम सोसाइटी गोरेगांव, जल्दी लो। बस गायकवाड़। जी सर। चलो गायकवाड़, बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। क्या सर? अगर हम चड्डी गैंग को पकड़ लेते तो हमारा प्रमोशन हो जाता। सर कहीं अब डिमोशन तो नहीं होगा ना? क्यों सर, कहीं दुकान के मालिक ने कंप्लेन कर दी तो? नहीं, हम उससे माफी मांग चुके हैं। टप्पू के पापा। कौन टप्पू के पापा? मेरा बेटा टप्पू, उसके पापा। आप जिन्हें जबरदस्ती यहाँ लेकर आए हो ना? कौन है वो इंस्पेक्टर जिसने चोर की जगह मेरे जेठिया को पकड़ लिया? अरे तुम लोग क्या नींद में अपना फर्ज निभाते हो? हैं? पता नहीं चलता कौन चोर है और कौन दुकानदार? लगता है ये जेठालाल जी के पिताजी हैं। अब तो अपना डिमोशन पक्का। शट अप। चाचा जी आप शांत हो जाइए। अरे गलती हम पुलिस वालों से भी हो सकती है, आखिर हम भी तो इंसान है। छोड़ दो ना वो। अरे हमको क्यों पकड़ के लाया? पाटिल ये तो वही चोर है ना? ए वही चोर है वाली, यही चोर है।
हाँ वही चोर है। अरे वही चोर है नहीं, यही चोर है। हाँ। चाचा जी आप शांत हो जाइए, आप सही कह रहे, यही चोर है। सुना, यही चोर है। इंस्पेक्टर तुम्हें नहीं, इसे होना चाहिए था। मुजरिम को छोड़ के मेरे बेकसूर बेटे जेठा को पकड़ लिया। बोल कहाँ है जेठा? वो तू रहने दे। तू बोल कहाँ है जेठा? चाचा जी मेरी बात सुनिए, हमने जेठालाल को छोड़ दिया है, वो घर चले गए। हाँ क्या? टप्पू के पापा घर चले गए? चले बापू जी घर जाते हैं। हाँ चलो। एक मिनट। अरे आप लोग ये तो बताते जाइए कि आप लोगों ने इन चोरों को पकड़ा कैसे। मैं बताता हूँ। गरबा का चक्कर मारकर इन लोगों को चक्कर में फाड़ दिया। जाओ अब जेल में चक्कर मारो। वाह मैडम जी वाह, आप लोगों की समझदारी और होशियारी के कारण ही ये चोर पकड़े गए, और हमारी वजह से जेठालाल को जो तकलीफ हुई है उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। हो जाता है भाई, गलती हो जाती है। आप लोग भी हमारी कितनी रक्षा करते हो, कितने टेंशन में रहते हो, तो कभी कभार गलती हो जाती है। अरे ऐसे कैसे गलती हो जाती है? मेरा जेठा परेशान हुआ उसका क्या? हाँ। और भाई तुमने गलती से जेठिया को मारा भरा तो नहीं है ना? नहीं नहीं चाचा जी, हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया है, लेकिन अगर आपको लगता है तो हम एक बार और माफी मांग लेते हैं। दया बेन, बड़ी बहादुरी से आप सभी ने इस गैंग को पकड़वाया है। हमारी ओर से आप सभी के इस वीरता के लिए हमारा अभिनंदन। थैंक यू। मैडम जी, इस चड्डी गैंग ने कब से पुलिस की नींद हराम कर रखी थी, अब हम लोग चैन से सो पाएंगे। आप लोग सो जाओगे तो फिर हमारी रक्षा कौन करेगा? अरे बापूजी सुंदर, चलिए जल्दी घर जाते हैं, टप्पू के पापा घर गए हैं। मेरा माइडिया जीजा जी का कपड़े ले लेते हैं। कपड़े ला। मेरा जाने दो ना, ऐसे उतरेले कपड़े पहन पहनेगा। जीजा जी ऐसे कपड़े नहीं पहनेंगे। चलो। इन सबको रिमांड पे लो, इनकी वजह से एक बेवजह दुकानदार बहुत परेशान हुआ है। रिमांड पर लो उनको। आगे थोड़ा आगे। बस बस भाई बस। हाँ। पहुंच गया घर पे, पहुंच गया। हाँ भाई कितना हुआ? 70 रुपए हो गए साहब। हाँ ये मेरा घर सामने ही है, मैं जरा लेके आता हूँ। ओ साहब जाना, चालबाजी नहीं चले गया? उसमें चालबाजी क्या भाई? कल ऐसे ही हुआ, एक पैसेंजर ने मेरे को बोला घर पे जाके पैसा लेके आता है, और बाद में आया ही नहीं। क्या जमाना आ गया है, आदमी का आदमी पर से भरोसा ही उठ गया है। अच्छा एक काम कर भाई, तू मेरे साथ चल मेरे घर पे, बस दे देता हूँ चल। अरे नहीं नहीं, मैं रिक्शा छोड़ के नहीं जा सकता, मेरा रिक्शा किसी ने चोरी किया तो? अरे भाई तेरी रिक्शा को कुछ नहीं होगा, या गोकुलधाम सोसाइटी है। अरे एक काम करो ना, आपका घर सामने है ना, तो फिर किसी को बाहर बुलाओ ना। अरे भाई कमाल आदमी, समझने को तैयार ही नहीं हो तुम। हाँ नहीं समझने का मेरे को। जेठालाल, ओ जेठालाल, जेठालाल, अरे क्या कर रहे हो? अरे अरे उत्तर देगा कि नहीं? ये जेठालाल ही था ना शायद, लेकिन ये मेरे को देख के रिक्शा में क्यों छुप गया? How do I know यार? अरे वो साहब उतरने का है कि नहीं? दो मिनट शांति रख, शांति रख। हे भगवान, ये अय्यरडी ने कहा मुझे इस साल में देख लिया, अभी वो काकी पंचायत करेगी, मैं इस साल में क्यों हूँ? पर अगर उसे गोडाउन और पुलिस स्टेशन वाली बात का पता चला तो वो पूरी सोसाइटी में मेरा मजाक बनाएगा। क्या करूं?
आप उतरो। शांति रख, निकल रहा हूँ, दो मिनट शांति रख। जेठालाल, अरे जेठालाल। क्या हुआ अय्यर? अरे आत्माराम, जेठालाल मेरे को देख के रिक्शा में झुक गया। कहते? जेठालाल? ओ जेठालाल! ओ पिडू! ओ क्यों शोर मचा रहा है यार? अरे जेठालाल रिक्शा में छुपा है। हैं? ओ जेठा ब्रा! ओ जेठा ब्रा! ओ क्यों है यार? क्या हुआ जोड़े? अरे जेठा ब्रा रिक्शा में छुप गया यार। क्यों? ओ पिडू! ओ जेठा ब्रा रिक्शा में क्यों छुपा है? एक मिनट। अरे अय्यर, हाँ, वो रिक्शा में क्यों छुपा है जेठालाल? मेरे को क्या मालूम? अरे एक मिनट पूछ के बताता हूँ। अरे अय्यर भाई, क्या पूछ के किसे क्या बताना है, जरा मुझे भी बताओ। पोपड़लाल, जेठालाल रिक्शा में छुप गया है। अच्छा, क्यों? पोपड़लाल, मैं जेठालाल को पूछकर तुम सब लोगों को बताता हूँ, ठीक है? पूछो पूछो भाई, जल्दी पूछो। चलो बबीता, निकल निकल, रिक्शा स्टार्ट कर, निकल इधर से, निकल। नहीं, पहले इधर तक का भाड़ा दो। हाँ देखा, जेठा लाल ही है, मेरी आंखों को धोखा नहीं हो सकता है। गुड मॉर्निंग बबीता जी। हाय, गुड मॉर्निंग। जेठा लाल, मेरे को देख के रिक्शा में क्यों छुप गए? ले, कोई छुपा नहीं है। छुपा कौन है? कोई छुपा नहीं है। तो क्या कहीं जा रहे हो? अरे बाहर किधर जाएंगे, अभी तो आ रहे। अरे भाई तू चुप, बैठना। मैं बैठने के लिए नहीं आया हूँ, मेरे को जाने का है, मेरा भाड़ा दे दो। जरा आहिस्ता बात करो भाई, इधर लेडीज लोग खड़े हैं, जरा तमीज से बात करो। हाँ, आराम से, कोई किधर नहीं जा रहा है, मिलेगा भाड़ा तुम्हारा। हाँ, दे रहा हूँ तेरा भाड़ा। अरे जेठालाल, ओ जेठा ब्रा, सवेरे सवेरे इस हालत में रिक्शा में किधर जा रहे हो? भाई जा रहे हैं नहीं सड़ी, यह पूजा किधर से आ रहे हैं? अरे हाँ, सही बात है, करेक्ट है जी। और जेठा ब्रा, और सवेरे सवेरे इस हालत में ओ किधर से आ रहे हो भाई? जॉगिंग जॉगिंग करने गया था छोटे। वेरी गुड यार, ये तो चंगी गल है। रिक्शा में जॉगिंग करने? क्यों, रिक्शा में नहीं जा सकता? मैंने जा सकते है जेठा लाल, लेकिन यह जूता पहन के। हाँ, यह जूता पहन के। यह जूता पहन कर नहीं, यह जूता पहन कर जॉगिंग होती है। मालूम है अय्यर भाई। अरे जॉगिंग वो जूते पहन के करते हैं, लेकिन मैंने सोचा इस बार जरा यह जूते पहन के जॉगिंग करूं, देखो जरा कैसा लगता है। अच्छा, हाँ तो कैसा लगा जेठालाल? अच्छा, बहुत अच्छा लगा। अरे जेठालाल, एक बात बता, जॉगिंग करने की ऐसी कौन सी जगह है जहां तुम्हें रिक्शा करके जाना पड़ा? अरे जुहू चौपाटी गया था भाई। वाओ, आप जुहू चौपाटी गए थे? वहां पे एक शिप आई, आपने देखी? बबीता जी, हमारे ख्यालात कितने मिलते जुलते। सच कहो तो जॉगिंग के बारे में शिप देखने गया था। क्या है, दिन भर तो दुकान में इतना बिजी रहता हूँ कि वो जा नहीं पता जुहू साइड। तो मैंने बोला आज सुबह सुबह पहले जाके वो शिप देख ही आता हूँ। ग्रेट। और जेठा बड़ा यार, कमाल करते हो, और सवेरे सवेरे कल्ले कल्ले खुद ही चल गए, और हम सबको बताते तो हम भी साथ में चल पड़ते यार, मजा आ जाता। हाँ। और क्या जेठा जी, मुझे भी देखनी थी। अरे तो चलो कल जाते हैं सुबह, फिर से कल का फिक्स। अरे जेठा भाई, जू चौपाटी पे गए थे तो दो चार दर्जन नारियल पानी ले आते, मजा आ जाता। अरे आतिफ भाई, कल आपको उधर ही पिलाता हूँ ना, डायरेक्ट फ्रेश पेड़ से तोड़ के। पक्का? ओ भाई, और अभी कितना टाइम इधर रुकने का है? अरे हाँ, एक मिनट। अरे दया, दया, अरे दया, टप्पू के पापा रुक गया। क्या हुआ? पता नहीं, पता नहीं।
बापू जी टप्पू सुंदर, अरे कहाँ से आ रहे हो तुम लोग? पुलिस स्टेशन से। पुलिस स्टेशन? पुलिस स्टेशन? पुलिस स्टेशन? पुलिस स्टेशन? सर चल चल चल। सवार पूछा मक्लो। चलो चलो चलो। ओह माय गॉड। हम लोग वहाँ गए ना तो पता चला कि आप निकल गए हो। बाद में घर पे जाके बात करते हैं। चल चल। ओ साहब, अरे पहले मेरा भाड़ा दो दो। अरे हाँ भाई, बापू जी आपके पास 70 रुपए होंगे, मैं अपना पर्स गोडाउन में भूल गया हूँ। सुन ले, पैसे ले ले। दे देता हूँ, उसमें कौन सी बड़ी बात है। ये लो, दे दो। सुंदर के पास पैसे हैं। ले लो भाई, ये लो, दे दो। एर भाई, ये ले। नहीं नहीं, चलो मिल गया, देखना पड़ेगा, मिल गया तुम्हारा बड़ा। चलो निकलो, अभी निकलो, जाओ जल्दी। चलो क्या हुआ, पुलिस स्टेशन सुना है? गड़बड़ है, कोई प्रॉब्लम हुई? हाँ दैभा भैया, पुलिस स्टेशन का क्या बात है? सुबह पुलिस स्टेशन? कल रात टप्पू के पापा पर बहुत बड़ी मुसीबत आई थी। मुसीबत? क्या मतलब, एग्जैक्टली क्या हुआ दैभा भी? हुआ यू कि जिसने जेठालाल को चोर बनाकर पुलिस स्टेशन में बिठा दिया। आप लोग मुझे बताओ, मैं पूरा पुलिस स्टेशन हिला दूंगा। ए भाई, ए तुझे ना शांति रखना, अब सब हो गया है ना। जेठिया, तू पहले मुझे ये बता कि तू गोडाउन में फंसा कैसे? अरे बापूजी क्या बताऊं, वो गोर्धन काका को लेने के लिए मैं दुकान से एयरपोर्ट जाने के लिए निकला तो इतने में जी। और रात में आप सब पे इतनी मुसीबत आ गई और आप सब ने हमको बताया भी नहीं। हाँ। छोड़िए, ये सब आधी रात को हुआ, तो अभी आधी रात को कहाँ सबको तकलीफ देते हैं। हाँ बरोबर है चाचा जी, पर दया भाभी ऐसी मुसीबत के वक्त एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो कब आएंगे? हाँ सही बात है, हम लोग पराए हैं क्या? वाह दया भाभी, एक फोन तो कर दिया होता, भगवान ना करे कुछ और बड़ी मुसीबत हो जाती तो। आप लोग तो हमें अपना समझते ही नहीं है। नहीं नहीं बबीता जी, आप ऐसे गलत मत सोचिए प्लीज, ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। टप्पू के पापा सही कह रहे हैं, वो क्या है घर में बापूजी, सुंदर, उसके दोस्त सब लोग थे मदद करने के लिए, इसलिए आप लोगों को तकलीफ नहीं दी। लेकिन दया भाभी ऐसा दूसरी बार हुआ तो सबसे पहले हमको बताना। बबीता जी आप भी क्या, हाँ क्या बोल रहे हैं? नहीं मतलब ये अय्यर भाई क्या कहना क्या चाहते हैं, दोबारा ऐसे मेरी लाइफ में ऐसी परेशानी आए? नहीं नहीं जेठा जी, इनका मतलब ये है कि हम सब लोग एक फैमिली की तरह है, तो हम लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा तैयार होते हैं। हाँ तो ठीक है। हाँ। चलो जीजा जी घर जाते हैं, चलो। हाँ, चलो, चलो, चलो। एक मिनट, मुझे कुछ कहना है। क्या बधाइयां? बधाइयां क्यों? और चाचा जी, दया भाभी जी, सुंदर और टप्पू पुत्र, और आप सब ने मिलके चोर को पकड़ा, तो इसके लिए बधाइयां। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अरे अरविंद, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। हाँ, आपका नाम हिम्मत वाली दया भाभी होना चाहिए। ये भी सही बात है। हाँ मैं तो कहता हूँ आप चारों को गोभी पू मिलना चाहिए। गोकुलधाम वीरता पुरस्कार। और जेठालाल को खास करके गोसपू मिलना चाहिए। गोसपू? हाँ, गोकुलधाम समझदारी पुरस्कार। एक मिनट, पहले समझता ले, समझदारी पुरस्कार क्या है भिड़े भाई? समझदारी पुरस्कार?
अरे कोमल भाभी, चोरों से डर कर नहीं, समझदारी दिखाकर जो तुमने मुकाबला किया है ना, उसके लिए तुम्हें गोसापू मिलना चाहिए। तो अभी ये पावी शो खत्म हो गया हो? पावी शो मतलब पारितोषिक वितरण समारंभ, अगर खत्म हो गया हो तो हम लोग अपने अपने घर चले। भाई काफी थके हुए, चलो चलो, खाना रात से खाया नहीं कुछ। ये घर है का धर्मशाला है? ये क्या है सुंदर? बेचारे सो रहे हैं। तो जगाओ उनको, मुझे कुछ पूछना है उनसे। जागो! माय डियर जीजा जी आ गए, उनकी चिंता छोड़ो। अरे वाह, जीजा जी मिल गए। बाय बाय। जीजा जी कहाँ गायब हो गए थे? हमें कितनी चिंता हो रही थी। वो दिख रहा है। वो सब छोड़ो, पहले मुझे ये बताओ, रात को पुलिस स्टेशन से इधर घर पे फोन आया था, तो किसने बोला कि ये जेठालाल का घर नहीं है? रॉन्ग नंबर। किसने कहा था? तुम लोगों की वजह से पुलिस ने मुझे कितना परेशान किया मालूम है? मेरी एक बात नहीं मानी उन लोगों ने। जी, मुझे लगता है कि वो लोग इतनी गहरी नींद में होगा कि उन्हें पता ही नहीं चला होगा कि वो लोग मुंबई में सो रहे हैं। उन्हें ऐसा ही लगा होगा कि वो लोग अहमदाबाद में सो रहे हैं। ऐसी कैसी तुम्हारी गहरी नींद कि तुम्हें पता ना चलेगा तुम अहमदाबाद में हो कि मुंबई में? तो आइंदा ध्यान रखना। भाई ये आइंदा मतलब दोबारा ऐसी परिस्थिति आ जाए तो ये क्या बोल रहा है? बराबर है। उठा ले प्रभु, उठा ले। क्या दोनों ए, जाओ जाओ जाके नहा लो, जाओ चलो फटाफट। सॉरी जीजा जी, इन लोगों की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। आप नहा लीजिए, तब तक मैं सबके लिए गर्मा गर्म नाश्ता बना देती हूँ। बापू जी हाँ चलो, जल्दी से कुछ तड़कती फड़कती गर्मा गर्म चीज बना दे। कल रात से कुछ नहीं खाया, बहुत जोर की भूख लगी है। हाँ, आप नहा लीजिए। हाँ। जा तू भी नहा ले।